नमस्कार, वेलकम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि इलेक्शन के पहले 100, 200, 500 और 2000 के नए नोट जारी करने के लिए। लेकिन जो नोट अभी प्रचलन में हैं वो उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नए नोट आएंगे वो पुराने नोट के साथ ही चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करेंसी मैनेजमेंट के वार्षिक एनुअल एजेंडा में ये शामिल किया था कि नए नोट वार्निश पेंट के साथ उतारे जाएंगे। वार्निश पेंट होने के पर हमारे नोटों की ड्यूरेबिलिटी, लाइफ बढ़ जाएगी और अन्य देशों में भी इसका प्रचलन है। इस बात को तस्दीक करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम 100 रुपये के नोट वार्निश पेंट के साथ मार्केट में उतारना चाहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन मिलने के पश्चात ये 100 रुपये पुनः 500 और 2000 के नोट भी मार्केट में लाएंगे। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग नोट बैंक नोट है वो चलता रहेगा, और अगर ये ट्रायल सफल हो गया तो धीरे धीरे करके पुराने नोट मार्केट से बाहर हो जाएंगे और नए वार्निश पेंट जिसकी करेंसी की लाइफ और वैलिडिटी ज़्यादा होगी वो ही प्रचलन में रहेंगे। लेकिन अभी ये प्रस्ताव पेंडिंग है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका अप्रूवल और अनुमोदन होना है। यदि ये हो गया तो आपको मार्केट में नए नोट आएंगे। इलेक्शन के पहले लाने का उद्देश्य ये है कि इलेक्शन के समय नोट्स की करेंसी की क्राइसिस होती है और ऐसे में ATMs खाली हो जाते हैं और मार्केट में मनी सर्कुलेशन रुक सा जाता है। इसलिए इलेक्शन का ध्यान में रखते हुए ये सारे नए नोट मार्केट में लाए जाएंगे ताकि जनता को करेंसी की क्राइसिस भी ना हो और हमारे नए नोट जो वार्निश पेंट करके आएंगे उनका ट्रायल भी हो जाए, और ये ट्रायल सफल रहा तो भविष्य में इन्हीं नोटों का प्रचलन मार्केट में रहेगा और इससे अन्य देशों ने जो अपनाया है वो हमारे देश में भी अपनाया जा रहा है ताकि हमारी करेंसी की वैलिडिटी मीन्स लाइफ बढ़ जाए और हमें ज़्यादा दिन तक की नोट चलाए पड़े ताकि नुकसान देश का कम हो। थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।